हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ एडजस्टमेंट डिस्कस की थी और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ नई एडजस्टमेंट देखेंगे कि उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, कल हम 6 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, आज 7 से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या है, मिस्टर राम की बैलेंस शीट दी हुई है और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कोई भी ना तो ड्राइंग की गई है साल के दौरान में, ना ही कोई कैपिटल एडिशन हुआ है, यानी जो आपका कैपिटल में चेंज आया है उसमें ना तो ड्राइंग का कोई हाथ है और ना ही कोई नई कैपिटल आई है। तो आप क्या मानोगे कि जो आपका कैपिटल में चेंज आया है इसका मतलब आपकी कंपनी ने क्या किया होगा, कोई कैपिटल एक्सपेंस यानी कोई एक्सपेंस जो है कैपिटल में से निकाला होगा। वैसे तो अलाउड नहीं होता कैपिटल से कोई एक्सपेंस करना, बट स्टिल उन्होंने किया होगा, या फिर अगर ऐड हुआ है तो उन्होंने कुछ कैपिटल में कोई प्रॉफिट ऐड कर दिया होगा। ठीक है, और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई भी सेल या परचेज फिक्स असेट की नहीं हुई है, इसका मतलब फिक्स असेट के बैलेंस में जो भी चेंज आया होगा वो सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से आया होगा और आपको सिर्फ अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपका हमें पता है कि क्वेश्चन में और कोई भी ना तो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दिया है, ना कोई जनरल रिजर्व दी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें पता है कि कैपिटल में चेंज आया है तो वो प्रॉफिट या लॉस की वजह से आया है। तो इसका मतलब आपकी कैपिटल क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। पहले 8 लाख थी, अब 7,50,000 हो गई है, यानी नेट लॉस हो गया आपका 50,000 का। तो जो आपका नेट लॉस है वो हो गया आपका 50,000 बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। इसके बाद हमें इसमें क्या करने होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करना होता है और इसके साथ साथ नॉन कैश एक्सपेंसेस को। देखो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह आते हैं। तो फिक्स असेट में पिछली बार 9 लाख की थी, इस बार 8 लाख की हुई है, इसका मतलब डेप्रिसिएट हुई है 1 लाख से। तो वो डेप्रिसिएशन आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे कि डेप्रिसिएशन हो गया है फिक्स असेट पे। इसके अलावा कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो यहाँ पर एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हो या फिर आपको नॉन कैश एक्सपेंस दिया हो, ना ही कोई ऐसी इनकम है। तो अब आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को देखोगे। इन्वेंट्री क्या हुई है आपकी, इंक्रीज हुई है, करंट असेट इंक्रीज तो माइनस कर दोगे। यहाँ पर आपके ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुए हैं, करंट असेट में डिक्रीज हुआ है तो ऐड कर दोगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश इन हैंड ये आपके लास्ट में ऐड होंगे ओपनिंग बैलेंस की तरह। और कोई भी एंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ना ही आपको टैक्स बताया है, तो आप क्या करोगे, जितना आपका आ चुका है उन सबको टोटल कर दोगे तो आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिक्स असेट का हमें पहले ही बता चुके हैं, कोई परचेज सेल नहीं हुई है, सारा डेप्रिसिएशन की वजह से इंपैक्ट आया है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी इस क्वेश्चन में कोई दी नहीं है। उसके बाद बात आई हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ना तो इनमें से किसी से होती है, वो हमारी लायबिलिटी से रिलेटेड होती है। ट्रेड पेबल्स को हम ट्रीट कर चुके हैं वर्किंग कैपिटल में, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट बचा जो कि क्या है 48,000 से रिड्यूस हुआ है, यानी आपने पेमेंट की होगी तो आउटफ्लो हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 48,000। फिर जो आपका तीनों का टोटल आया है उसमें आप ओपनिंग बैलेंस किसका, कैश का और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है जैसा अब तक हमने डिस्कस किए हैं, सिर्फ एक पॉइंट उसमें नया है, वो क्या है कि आपका जो इनकम टैक्स साल का दिया हुआ है उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी इंक्लूड है। देखो इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको क्या क्या दिया हुआ था, इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है क्या, कि पिछले साल का 90,000 है और इस साल का 1 लाख है और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें क्या मानना था कि पिछले साल वाला तो आपने पे किया होगा और करंट ईयर वाला जो दिया हुआ है वो आपने प्रोविज़न बनाया है। देखो प्रोविज़न बनाया हुआ 1 लाख तो आप वैसे ही जैसे हमेशा ऐड करते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हुए वैसे ही ऐड करोगे, बट जो आपने पेमेंट की है इसमें इन्होंने बोला है कि आपका 10% क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। तो पहले जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो तो डिविडेंड पे निकलेगा, पहले डिविडेंड देखो कितना है, डिविडेंड 15% है। ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल आपकी 10 लाख थी, यानी आपका 1.5 लाख का डिविडेंड हो गया और उसके ऊपर 10% टैक्स यानी 15,000 का टैक्स, यानी जो 90,000 का टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से 15,000 डिविडेंड टैक्स है आएगा। तो दोनों ही टैक्स आने होते हैं, बट जो डिविडेंड का टैक्स है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, डिविडेंड तो वो उससे रिलेटेड है, और बाकी का 75,000 आपका ऑपरेटिंग से। तो जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स लेस करोगे वो सिर्फ 75,000 करोगे और बाकी के 15,000 का आउटफ्लो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखाओगे। बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी न्यू पॉइंट नहीं है। 9th क्वेश्चन में आपका कोई न्यू पॉइंट नहीं है। एक बार 10th क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है असेट से रिलेटेड, कि एक कंपनी ने क्या किया है, आपकी कंपनी ने 50,000
रुपए का सामान खरीदा है, 20,000 का स्टॉक और 25,000 की मशीनरी, बाकी का 5,000 आप मान लो कि गुडविल परचेज की है, और इस 50,000 के बदले में उसने कैश नहीं दिया बल्कि शेयर्स दिए हैं, तो आप क्या करोगे? जब आप मशीनरी अकाउंट को बनाओगे, यानी मशीनरी से रिलेटेड जो बाकी एंट्रीज आप नॉर्मली करते हो वो करोगे, तो आप जो प्लांट परचेज दिखाओगे ना, वहाँ पर आपको 25,000 तो किससे दिखाना है कि शेयर से करवा किया है, तो ये जो आपकी क्या जाएगी, ये शेयर कैपिटल में जाएगा और ये पैसा आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाओगे। देखो अकाउंट में तो आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि जो परचेज या सेल का बैलेंस क्या आया है, वो तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप इसको क्या करोगे, प्लांट परचेज से जितना आपका 25,000 आया है, इसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लिखोगे एज अ आउटफ्लो, सिर्फ आपको जो आपने एडिशनल प्लांट परचेज किया है, ये बुक में आपकी एरर है, एक एडिशनल प्लांट भी परचेज किया है आपने, कितने का, 8,000 का, सिर्फ आप ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे, और ये जो आपने सेल किया है 1,800 का, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी ये दिखाओगे, और कोई भी अमाउंट क्या है आप नहीं दिखाओगे इससे रिलेटेड अपने अकाउंट्स में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको स्टॉक भी दिया है 20,000 का, तो आप क्या करोगे, स्टॉक अकाउंट बनाओगे। जब आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे तो कैसे करोगे, एक तो आपको बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 1 लाख दिया हुआ है, और आपको जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो 74,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने शेयर कैपिटल को यूज़ करके परचेज किया है, तो ये स्टॉक कहाँ जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आपकी एंट्री हुई होगी, तो ये आपका था 25,000, और बाकी का आप क्या मान लोगे कि आपने जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपने सेल किया है, इस 25,000 की एंट्री नहीं करोगे, फिर जो आप बस जो आपका बाय बैंक में बैलेंसिंग फिगर आएगी आप सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करोगे एज एन इनफ्लो कि आपने स्टॉक को क्या किया है, सेल किया है, बाकी 5,000 गुडविल वाले बच गए, उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, बाकी और कोई भी पॉइंट इस क्वेश्चन में न्यू नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखना बस, कि जो आपकी लॉस है मशीनरी का 200, वो आपको जनरल रिजर्व से रिटर्न ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट बनाओगे, तो वहाँ पर भी बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी की बजाय 200 जनरल रिजर्व से लिखोगे, और जो जनरल रिजर्व का अकाउंट है वो भी आपको बनाना पड़ेगा। जनरल रिजर्व आपको दी हुई थी ओपनिंग की 50 और क्लोजिंग की 60, तो वैसे तो आप क्या करते हो, 60 में से 50 गए डायरेक्ट 10,000 को लिख देते हो, बट अब आपको जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाना पड़ेगा कि ओपनिंग में आपकी 50 थी, क्लोजिंग में 60 रह गई, 200 आपने प्लांट एंड मशीनरी में लॉस एज ए लॉस ट्रांसफर किया है, तो जनरल रिजर्व आपके कम हुए होंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, फिर जो आपका बैलेंस बचेगा इसका मतलब 10,200 रुपये आपने क्या किए होंगे इस साल ट्रांसफर किए होंगे जनरल रिजर्व में, ना कि 10,000, तो आप जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे तो 10,200 ऐड करोगे ना कि 10,000, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, इसमें सिर्फ एक न्यू पॉइंट है कि आपने डिबेंचर को 102 रुपये पे रिडीम किया है, तो आप क्या करोगे कि जो आपका डिबेंचर्स है वो आपने देखे कि 2,00,000 से 1,20,000 के हुए हैं, यानी आपने 80,000 के डिबेंचर रिडीम किए हैं, लेकिन एक की वैल्यू 100 थी और आपने क्या किया है, 2 रुपीज़ प्रीमियम भी पे किया है, 80,000 के डिबेंचर्स थे, 100 रुपये का था, यानी आपने 800 डिबेंचर रिडीम किए हैं, 2 रुपये प्रीमियम के दिए हैं, यानी 80,000 प्लस 1,600 रुपये आप क्या करोगे एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो दिखाओगे, ना कि सिर्फ 80,000 को बल्कि 81,600 को दिखाओगे एज आउटफ्लो, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। अब इसके बाद 15th क्वेश्चन देखो, इसमें आपको जो एडजस्टमेंट दी हुई हैं, एक तो आपको बोला गया है कि आपने नई मशीनरी 5,00,000 की परचेज़ की है, जिसमें से 3,80,000 कैश में दिए हैं और बाकी के लिए आपने बिल दिया है, यानी BR को यूज़ किया है, तो अब आप क्या करोगे, जब आप 5,00,000 जब अकाउंट बनाओगे तब तो पूरे 5,00,000 ही दिखाने हैं, बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ 3,80,000 लेके जाओगे, क्योंकि कैश सिर्फ उतना ही आउटफ्लो हुआ है, बाकी 1,20,000 आपने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, बिल दिया है, तो वो डायरेक्ट बिल्स पेबल में चले जाएंगे आपके, सिर्फ कैश जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जो इम्पैक्ट आएगा सिर्फ 3,80,000 का आएगा। दूसरा आपको दिया है कि आपने शेयर जो है प्रीमियम पे इशू किए हैं 20%, इसका मतलब आप अपनी शेयर कैपिटल देखो, पिछले साल 9,00,000 की थी, इस बार 10,00,000 की है, यानी 1,00,000 से इंक्रीज हुई है, लेकिन जो शेयर कैपिटल में हम पैसा डालते हैं वो सिर्फ पार वैल्यू वाला डालते हैं, प्रीमियम नहीं डालते, लेकिन कैश इनफ्लो तो प्रीमियम वाला भी हुआ होगा, यानी 1,00,000 शेयर कैपिटल और उसका 20% प्रीमियम, यानी आपका जो इनफ्लो हुआ होगा वो 1,20,000 का हुआ होगा, तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,20,000 लिखोगे ना कि 1,00,000। फिर आपको डिबेंचर रिडीम की सिर्फ डेट बताई हुई है, तो इसका यूज सिर्फ आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में करोगे कि जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट दोगे, जब भी आपको डिबेंचर के साथ उसकी डेट अटैच होगी आपको इंटरेस्ट
देना पड़ेगा। बस आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं बताया गया कि डिबेंचर रिडीम कब हुए हैं, आप ओपनिंग में भी कर सकते हो कि फर्स्ट डेट 1 अप्रैल को हुआ होगा या 31 मार्च को भी। इससे आपके ओवरऑल आंसर पे वैसे भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक बार डिबेंचर के इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हो और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करते हो, तो आपका आंसर दोनों में ही सेम आएगा। जस्ट अगर आपको डेट दी हुई है तो आपको उसको यूज़ करके डिबेंचर का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 16th क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों दी हुई हैं और आपको क्या बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। देखो, सबसे पहले तो आपको वही चाहिए, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो पहले तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस ही लेना है, यानी 2 लाख से इंक्रीज हुआ है तो 2 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया। फिर अब आपको चाहिए कि आपको उसमें क्या क्या ऐड करना है, टैक्स वगैरह, प्रपोज डिविडेंड वगैरह। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इन्फॉर्मेशन होगी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, तो यानी इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 40,000 है और आप पेड आप क्या करोगे, अकाउंट बना के निकालोगे। आपके पास प्रोविजन भी हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया, तो आप इस 40,000 को ऐड करोगे और जो आपका अकाउंट से पेड आएगा उसको आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस करोगे। इसके साथ साथ यहाँ देखो कौन कौन सी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैश फ्लो में कहीं नहीं आता, एम्प्लॉई बेनिफिट नहीं आते, फाइनेंस कॉस्ट के बारे में बताया हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के बाद इसको ऐड करोगे, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करोगे। फिर आपको डेप्रिसिएशन एंड गुडविल रिटर्न ऑफ दी हुई है, तो आप क्या करोगे, जो डेप्रिसिएशन है उसको क्या करोगे, ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और गुडविल रिटर्न ऑफ का भी सेम ट्रीटमेंट करोगे। और कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको रिकॉर्ड करनी हो कैश फ्लो में। बाकी क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट जो हमेशा रहता है वैसा का वैसा रहेगा। 17th क्वेश्चन भी बाकी सारा सेम है, सिर्फ डिबेंचर से रिलेटेड 2 एंट्रीज दी हुई हैं कि आपको डिबेंचर जो है 1,20,000 के आपने फिक्स असेट के एक्सचेंज में इशू किए हैं, यानी अगर आपने फिक्स असेट के एक्सचेंज में किए हैं तो यानी इससे कोई कैश आउटफ्लो इनफ्लो कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो आप इसको सिर्फ अकाउंट में बैलेंस निकालने के लिए यूज़ करोगे, अदरवाइज का कैश फ्लो में ट्रीटमेंट नहीं होगा। और आपने 90,000 के डिबेंचर रिडीम किए हैं एट पार पे, अब आप इनका अकाउंट बना के देखोगे कोई बैलेंसिंग फिगर बचती है नहीं, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं बच रही, तो आप डायरेक्ट सिर्फ इस 90,000 की पेमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाओगे एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बाकी सारी एडजस्टमेंट आई थिंक की हुई हैं, स्टिल कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना मुझसे। अब 18th क्वेश्चन देखो, आपको मिस्टर राम एंड श्याम कंपनी की क्या दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। नीचे आपको दिया है आपने 31 मार्च 2018 को यानी करंट ईयर के एंड में आपने एक डिलीवरी वैन खरीदी है हायर परचेज बेसिस पे, जिसके लिए आपने 10,000 की तो पेमेंट की है इमीडिएटली और बाकी आप 20 मंथली इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये हर महीने देने वाले हो इंटरेस्ट के साथ। देखो क्लोजिंग में ही आपने डिलीवरी वैन परचेज किया है और 10,000 पे किया, यानी इस साल में तो आपने सिर्फ 10,000 का ही आउटफ्लो किया। अगर आपने इसकी बजाय बीच में की होती तो हमें देखना पड़ता कितनी इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं। अब तो आपने क्या किया है, सिर्फ साल के एंड में किया है, यानी एज अ कैश आउटफ्लो आप सिर्फ ये 10,000 दिखाओगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद आपको बोला गया है कि एक पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए 30,000 रुपये निकाले हैं, यानी ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट। एक बार तो आप कैपिटल का यूज़ जब करोगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हुए तब यूज़ करोगे कि आप क्या करोगे, जो आपको 3,08,000 क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है उसमें परचेज कर दोगे, ड्रॉइंग को ऐड कर दोगे, क्योंकि वो क्या थी कैपिटल उसकी वजह से कम दिख रही होगी तो आप उसको वापस ऐड करोगे और दूसरी बार इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाओगे एज एन आउटफ्लो। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन बताया हुआ है, बाकी क्वेश्चन आपका सिमिलर है। जो आपका क्या करना है, आपको जो आपको ये कैपिटल दी हुई थी क्लोजिंग वाली, इसमें पहले ड्रॉइंग ऐड करोगे और फिर ओपनिंग कैपिटल को लेस करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन जो आपका करंट जो आपके वर्किंग कैपिटल चेंजेस है उनको कॉन्ट्रीब्यूट करोगे। मशीनरी वगैरह के बारे में आपको देखो ये पता है, ओपनिंग बैलेंस आपका 1,60,000 था, क्लोजिंग 1,72,000 है और 18,000 का आपका डेप्रिसिएशन है, तो आप अकाउंट बना के निकाल लोगे कि आप सेल परचेज हुई है। बाकी सारा क्वेश्चन आपका सेम है जैसे नॉर्मली होते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ अलग थी कि हायर परचेज को आपको क्या करना है, सिर्फ 10,000 को ट्रीट करना है और ड्रॉइंग का क्या ट्रीटमेंट करना है, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्योंकि फाइनेंस की तरह के कैश बाहर जा रहा है, और दूसरा एक बार आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हुए कैपिटल में इसको ऐड करोगे क्लोजिंग कैपिटल में। आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम है,
जस्ट डिफरेंस क्या है इसमें, आपको इंश्योरेंस का क्लेम दिया हुआ है 14,000 का, तो आप क्या करोगे, एक बार तो ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम है तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम निकालते हुए इसको लेस करोगे, और दूसरी बार क्योंकि है तो ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड ही, नॉर्मल आपके बिजनेस में लॉस हुआ था उसकी प्रोसीड है, तो आप क्या करोगे इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही बाद में ऐड कर दोगे एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम जब भी आपको कोई दी हो, चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, उसका दो बार ट्रीटमेंट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही। एक बार वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम निकालते हुए अगर ऐड होती है तो बाद में लेस कर देते हो, और लेस होती है तो बाद में ऐड कर देते हो, यानी रिवर्स ट्रीटमेंट कर देते हो, जब हमें शो करना होता है उसका इफेक्ट हमारे अकाउंट्स पे नहीं आता। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चंस कैश फ्लो के, देख लेना अगर कोई भी डाउट हो प्रैक्टिकल में या आईएलएस में किसी में भी। कल हम बस एक टॉपिक रह गया है हमारा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के और क्या लिमिटेशन है, उसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।